नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि फिल्में ऐसी बनाओ कि पूरा हिंदुस्तान बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद। खैर, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। 2001 में एक मूवी आई थी, गदर एक प्रेम कथा। यह मूवी तब भी हिट थी और आज इसका दूसरा भाग बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। लेकिन बहुतों के मन में एक सवाल रह गया होगा कि क्या यह मूवी किसी सच्ची घटना पर आधारित है। यदि रियल लाइफ घटना पर आधारित है तो फिर इसका कहानी क्या है। मोहब्बत की बात करें तो हमें रोमियो जूलियट, हीर रांझा, सोनी महिवाल, लैला मजनू की कहानियां सुनाई जाती है। अगर कोई मोहब्बत में फना हो जाए तो उसे इन्हीं प्रेम जोड़ियों जैसा बताया जाता है। गौरतलब है कि इतिहास के पन्नों में मोहब्बत की अनगिनत कहानियां दर्ज है। आज ऐसी ही एक कहानी का हम जिक्र करेंगे। एक कहानी है पाकिस्तान की जैनब और सिपाही बुट्टा जी का। ये दावा किया जाता है कि सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर एक प्रेम कथा बुट्टा जी की रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है। फिल्मों में क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर रियल लाइफ कहानी में कितने तोड़ मोड़ करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन दुख की बात है कि बुट्टा जी की कहानी का अंत बेहद दर्दनाक था। दोस्तों, कहानी शुरू करूं इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए। 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा एक रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली जबरदस्त एक्शन, दमदार कहानी और बेहद खूबसूरत गानों से लैस एक फिल्म है। फिल्म ने दर्शकों के दिलों में परमानेंट जगह बना ली। फिल्म को देखने के लिए गांव भर के लोग ट्रक से थिएटर जाते थे। फिल्म को भारतीय सिनेमा में कल्ट क्लासिक का दर्जा प्राप्त है। लेकिन इसकी रियल लाइफ कहानी सिपाही बुट्टा सिंह और जैनब की है। बुट्टा सिंह अंग्रेज आर्मी के सिपाही थे। उनका जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में दूसरे विश्व युद्ध में भी भाग लिया था। विभाजन के बाद जब हिंदू मुसलमान दंगे हो रहे थे, औरतों को प्रताड़ित किया जा रहा था, तब बुट्टा सिंह ने एक मुस्लिम युवती की जान बचाई थी। उस लड़की का नाम था जैनब। जैसा कि अक्सर प्रेम कहानियों के साथ होता है, जैनब और बुट्टा सिंह की कहानी के भी कई वर्जन मिलते हैं। हर कोई इन दोनों की कहानियों को अपने ढंग से प्रस्तुत करता है। एक कहानी के मुताबिक जैनब अमृतसर के खेतों में छिपी थी। बुट्टा सिंह ने दंगाइयों को पैसे देकर जैनब को खरीदा था। एक दूसरी कहानी के मुताबिक बुट्टा सिंह 55 साल का रिटायर्ड फौजी था और जैनब 19 से 20 साल की लड़की। जैनब बुट्टा सिंह के साथ रहने लगी और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। दोनों की मोहब्बत के आगे मजहब की दीवार भी नहीं टिक सकी। दोनों ने शादी कर ली और दोनों दो प्यारी बेटियों तनवरी कौर और दिलवीर कौर के माता पिता बने। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक जैनब का परिवार अविभाजित भारत के पूर्वी पंजाब में रहता था। पूर्वी पंजाब भारत का हिस्सा बन गया और विभाजन के बाद दंगों की वजह से जैनब का परिवार पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में आकर बस गया। गौरतलब है कि जैनब का परिवार से बिछड़ गई और इसी दौरान उसे बुट्टा सिंह ने बचाया। विभाजन के तकरीबन एक दशक बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने एक निर्णय लिया। विभाजन के दौरान दोनों तरफ से कई लड़कियों और औरतों का अपहरण किया गया था। दोनों देशों ने तय किया कि उन लड़कियों और औरतों को खोजकर उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि कई औरतों और लड़कियों से उनकी मर्जी नहीं पूछी गई और उन्हीं में से एक थी जैनब। एक लेख के मुताबिक जैनब के किसी गांव के रिश्तेदार ने सरकार के नुमाइंदों को खबर कर दी। जैनब को जब सरकारी गाड़ी लेने आई तब बुट्टा सिंह पूरी तरह टूट गए। बताया जाता है कि बुट्टा सिंह और जैनब की छोटी बेटी भी जैनब के साथ गई। जैनब ने निकलते वक्त बुट्टा सिंह से वादा किया था कि वो जल्द लौटेगी। इधर बुट्टा सिंह की रातों की नींद उड़ गई और दिन का चैन छिन गया। उन्हें जैनब के बिना जीना भी मुश्किल लग रहा था। जब पाकिस्तान से जैनब नहीं लौटी और उसकी दोबारा शादी होने की खबर आई तो बुट्टा सिंह ने पाकिस्तान जाने का निर्णय लिया। एक लेख के मुताबिक बुट्टा सिंह दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन गया और वीजा की गुहार लगाई। यह भी कहा जाता है कि उसने सिख धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाया और जमील अहमद बन गया ताकि पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल जाए या फिर पाकिस्तान जाने दिया जाए। और इस प्रकार बुट्टा सिंह को एक शॉर्ट टर्म वीजा मिला। जैसा कि पहले ही आपको बताया गया है कि जैनब और बुट्टा सिंह की कहानी के कई वर्जन सामने आते हैं। एक वर्जन के मुताबिक जैनब के घर वालों ने उसकी दूसरी शादी कर दी। जब तक बुट्टा सिंह पाकिस्तान पहुंचा तब तक जैनब की शादी हो चुकी थी। बुट्टा सिंह जैनब से मिला तो जैनब रोने लगी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब कुछ लोग कहते हैं कि परिवार के दबाव की वजह से जैनब खामोश थी। बुट्टा सिंह को जैनब से मिलने की जल्दी थी और वो पाकिस्तान जाकर पुलिस स्टेशन में जानकारी देना भूल गया। बुट्टा सिंह को पुलिस ने उठा लिया और कोर्ट में जाकर पेश किया। उसने रो रोकर बताया कि जैनब उसकी पत्नी है और उसकी दो बेटियां हैं। कोर्ट ने जैनब से जवाब मांगा जिस पर जैनब ने कहा, मैं शादी करके पाकिस्तान रहना चाहती हूं और इस शख्स से मेरा कोई वास्ता नहीं है। जैनब ने यह भी कहा कि दोनों लड़कियों की जिम्मेवारी अब बुट्टा सिंह की है। जैनब से इस तरह जुदा होने का दर्द बुट्टा सिंह बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो स्टेशन पर रेलगाड़ी का इंतजार कर रहा था। उसकी गोद में उसकी छोटी बेटी रो रही थी। तभी सामने से आ रही रेलगाड़ी के आगे बुट्टा सिंह कूद गया और अपनी जान दे दी।
आज बूटा जी को शहीद ए मोहब्बत का दर्जा प्राप्त है। उस दौर में अखबारों में उनके बारे में कई तरह की कहानियां लिखी गई। जैनब और बूटा जी की कहानी हर कोई जानना चाहता था। गौरतलब है कि आज तक किसी को जैनब की कहानी उसकी जुबानी सुनना या पढ़ना नसीब नहीं हुआ। जब भी किसी पत्रकार ने या किसी संगठन ने या किसी संगठन से जुड़े व्यक्ति ने उसे मिलने या बात करने की कोशिश की, नाकामयाबी ही हाथ लगी। 2022 में एक पत्रकार ने जैनब के गांव नूरपुर में खाट छानने की कोशिश की। बताया जाता है कि इस गांव में आज भी जैनब का परिवार रहता है और यह भी कहा जाता है कि जैनब आज भी जिंदा है। उसने एक स्थानीय निवासी से बात करने की कोशिश की और उसे गाँव से चले जाने की हिदायत मिली। नूरपुर में आज भी लोग जैनब और बूटा सिंह पर बात नहीं करना चाहते, जबकि बाकी पूरे पाकिस्तान में बूटा सिंह की मोहब्बत की मिसालें दी जाती है। बूटा सिंह की मोहब्बत भी क्या गजब थी। जीते जी वो अपनी मोहब्बत के पास रह न सका तो उसने आखिरी इच्छा भी ऐसी जताई जिसे वो अपनी जैनब के करीब रह सके। बताया जाता है कि बूटा सिंह नूरपुर में यानी जैनब के गाँव में दफन होना चाहता था। जैनब के घर वालों ने उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। बूटा सिंह उर्फ शहीद ए मोहब्बत को लाहौर के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहिब में दफनाया गया। मोहब्बत में यकीन रखने वाले आशिकों के लिए यह किसी दरगाह से कम नहीं था। वो कब्र पर फूल चढ़ाने आते थे। कुछ लोग चाहते थे कि मिट्टी की कब्र पर ईंटों से एक ढांचा बनना चाहिए। उसके लिए जगह एक पवित्र स्थान थी। गौरतलब है कि कुछ लोगों को एक सिख को इस तरह की इज्जत देना कबूल नहीं था। दीवाने बूटा सिंह की कब्र बनाते और कुछ लोग उसे रात में आकर तोड़ देते। ये युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। बाद में कुदरती कारणों से ही बूटा सिंह की कब्र खत्म हो गई। बूटा सिंह की कब्र मिट्टी की कब्र बनी रही, उस पर ईंटों का ढांचा नहीं बनाया जा सका। बूटा सिंह और जैनब की कहानी दिल चीर देती है। इस कहानी पर 1999 में गुरदास सिंह मान और दिव्या दत्ता की एक फिल्म आई थी, शहीद ए मोहब्बत बूटा सिंह। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप जवाब जरूर दीजिए। इस तरह की जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए आप हमें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जगहों पर भी फॉलो कर सकते हैं।